Hi guys, welcome to my channel Vasu Swami. And कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे. And आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Kenken स्कर्ट का रिव्यू. एंड ये स्कर्ट मैंने Amazon से बाय किया था. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना. पहले मैं आपको वो Kenken स्कर्ट दिखाती हूँ, फिर हम उस Kenken स्कर्ट को ट्राई भी करेंगे लहंगे के साथ और कुर्ती के साथ. ये है वो Kenken स्कर्ट, कुछ इस तरह से दिखती है. ये बहुत बड़ी सी है. इसमें ऊपर ना ये इलास्टिक लगा हुआ है यहाँ पर, और ये और फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा व्हाइट कलर का. ये पूरी स्कर्ट व्हाइट कलर की है, ठीक है. तो ये आपके ऐसे कमर पे फिट हो जाएगा, और इसमें बाद में ये Kenken की लेयरिंग की हुई है. फर्स्ट ये Kenken की लेयरिंग, एंड ये सेकंड, और थर्ड इसमें ये साटन का फैब्रिक दिया हुआ है. और इसमें नीचे ये हुप जैसी ये राउंड सर्कल में लगा हुआ है. ये स्टील का एल्यूमिनियम पता नहीं किसका है, पर एकदम एकदम राउंड है ये, एकदम हुप जैसा लगा हुआ है. और अब हम इस स्कर्ट को ट्राई भी करेंगे लहंगे के साथ में. ये ऐसा है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मतलब हमारे पास ऐसी बहुत सी ड्रेसेस हैं जिनमें Kenken लगाया हुआ नहीं होता है, तो हमें उनमें अलग से Kenken लगवाना होता है ताकि वो अच्छी, तो हमें अलग से Kenken लगवाने पड़ते हैं, तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो आप ना इस टाइप का ये Kenken स्कर्ट परचेज कर लो, और फिर आप इस स्कर्ट को आप अपने सभी ड्रेसेस के साथ, गाउन के साथ, लहंगे के साथ में पहन सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा. तो आपके पास एक ऐसे Kenken स्कर्ट होना ही चाहिए, मतलब एक स्कर्ट से आपके सारी ड्रेस लुक कंप्लीट हो जाएंगे. फर्स्ट हम इस Kenken स्कर्ट को ट्राई करेंगे मेरे इस रेड कलर के लहंगे के साथ, क्योंकि इस लहंगे में बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा सा फ्लेयर है. तो हम देखते हैं कि इसको इस Kenken स्कर्ट के साथ पहनने के बाद में ये लहंगा कैसा लगता है और कैसा लुक आता है इसका. और सेकेंड हम ट्राई करेंगे मेरे पास ना एक लॉन्ग अनारकली पैटर्न में एक कुर्ता है, मतलब एकदम पूरा लॉन्ग है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, एकदम अच्छा सा कुर्ता है. तो पर इसमें Kenken लगा हुआ नहीं है, तो हम इसके साथ भी उस Kenken स्कर्ट को ट्राई करते हैं कि इसके साथ वो Kenken स्कर्ट कैसा लगता है और इस कुर्ती को वो कैसा लुक देता है. Kenken की ये स्कर्ट कुछ इस तरह से लगती है, मतलब ये ऐसा लुक देती है विदाउट Kenken. और अब हम इसके साथ में वो Kenken स्कर्ट पहनेंगे, और Kenken के साथ में ये स्कर्ट कुछ इस तरह से लगती है. विदाउट Kenken के ये कुर्ती कुछ इस तरह से लगती है, हमें ऐसा लग देती है. लेकिन नॉर्मली लगती है. और Kenken स्कर्ट के साथ में ये कुर्ती कुछ इस तरह से लगती है, मतलब ऐसा लुक देती है. क्योंकि इसको हम पहनते हैं ना, फिर हम गाउन और लहंगा कुछ भी पहनते हैं इसके ऊपर, तो इसकी वजह से ही हमारे लहंगे के और गाउन को एकदम अच्छा सा फ्लोई लुक मिलता है. तो क्योंकि हमारे लहंगे और गाउन होते हैं ना, तो इस पे आके रुक जाते हैं, और ये हमारे लहंगे को एकदम बाउंसी लुक देता है, एकदम अच्छा सा लुक दे देता है. मतलब हमारे नॉर्मल लहंगा और गाउन होते हैं जिसमें Kenken लगा हुआ नहीं होता,
उसको भी एकदम वो अच्छा सा लुक देता है। ओवरऑल मुझे ये कहने की स्कर्ट काफ़ी सही लगी। आप अपने पुराने स्कर्ट लहंगे को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब उनको एकदम नया लुक दे सकते हो। जो जो हमारे पुराने लहंगे होते हैं उनमें केमिकल लगाया हुआ नहीं है, तो आप उसके साथ उन लहंगों के साथ स्कर्ट को पहन सकते हो। और आप अपनी कुर्ती गाउन को एकदम पार्टी वेयर लुक दे सकते हो इस स्कर्ट के साथ में, और मतलब वेडिंग सीजन के लिए एकदम काम की चीज़ है मेरे हिसाब से। तो मतलब अभी आपको पता ही है वेडिंग सीजन चल रहा है, तो वेडिंग सीजन में आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप एक स्कर्ट आप इसको हमेशा पहन सकते हो अपने हर लहंगे पे कुर्ती के साथ में, आपको बार बार से कैन के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी। एंड गाइस ये था मेरा आज का वीडियो कैन के स्कर्ट के बारे में। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये स्कर्ट कैसी लगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।